परम सद्य परम पूजनीय भारत माता के सच्चे सपूत हमारे परम आदरणीय स्वामी जी महाराज का छत्रसाल की इस पावन धरती पर हम हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है, ये महाराजा छत्रसाल की भूमि रही है। मैं स्वामी जी महाराज को बताना चाहता हूं कि कभी भी मुगलों ने इस भूमि पर शासन नहीं किया, ये भूमि कभी मुगलों की गुलाम नहीं रही। और ऐसी भूमि पर ऐसे वीर पुरुष के आज जो कदम पड़े हैं, हम सभी लोग अपने हृदय से अपने अपने सारे विचारों को इकट्ठा करके परम आदरणीय स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्य हो गई आज छतरपुर की ये धरती जिसमें एक ऐसे वीर पुरुष ने कदम रखा है, जिस आने वाले समय में जिसमें इतिहास में सबसे बड़े भारत माता के वीर सपूत के रूप में भविष्य में हम इनको याद करेंगे। ऐसे हमारे भारत माता के सपूत, ऐसे हमारे परम आदरणीय स्वामी जी महाराज, ऐसे हमारे संत योगी और जितनी भी उपाधियां दी जाए वो कम है, ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज का छतरपुर की इस धरती पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। एक मुल्क यदि गुलाम हो जाता है, एक राष्ट्र यदि गुलाम हो जाता है, तो उसको हम अपने साहस से, शौर्य पराक्रम से आजाद कराया जा सकता है। लेकिन यदि किसी मुल्क की राष्ट्रीय चेतना मर जाती है तो वो मुल्क फिर अपने आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कर सकता। और इसी राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का काम परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस अंधेरे में एक उजाले की किरण यदि देश में जागृत करी है तो ये परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के प्रयासों से ही आज जागृत हुई है। और राष्ट्रीय चेतना का ऐसा संचार आज तक जो कभी आजादी के बाद देश में देखने को नहीं मिला, आज हम सभी बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद देते हैं कि हमें इस युग में जन्म दिया जब ऐसे पवित्र संत का आशीर्वाद पाने का मौका हम सभी के हाथ में आया। और इसके बाद मैं हमारे जो अतिथि हैं उनसे आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन करें। हमारे श्री संजय अग्रवाल जी, उपेंद्र प्रताप सिंह जी, बालकिशन अग्रवाल जी, देवेंद्र अग्रवाल, कुलदीप सिंह, ब्रिजेंद्र गौतम जी, सुनील असाटी जी और बब्बू गुप्ता जी, कृपया जोरदार तालियां बजाकर। बहन सरता अग्रवाल जी, और इसी के साथ हमारे जो यहां पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं वो सभी स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अब इस समय को और ज्यादा नष्ट न करते हुए ये मंच हम हमारे परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के चरणों में स्वामी जी महाराज के पास हम ये समर्पित करते हैं। आइए लंबा गहरा श्वास भर करके
जिस ब्रह्म की सारी रचना है ये सारा ब्रह्मांड, जो कुछ व्यक्ति और वस्तु रूप यह हम जगत देख रहे हैं, ये सारा सृजन, ये सारी रचना, ये सारा क्रिएशन उसी प्रभु का है। सारे ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म के मूर्त रूप को, उसके सगुण साकार रूप को अनुभव करते हुए, दिस इज होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ द गॉड। और इस ब्रह्म भाव को हम गहरा करते हैं, अपने हृदय में आत्मसात करते हैं जब हम उपासना करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, भगवान की स्तुति करने से उसे प्रीति बढ़ती, उसे प्रेम बढ़ता है। प्रार्थना करने से जीवन में निराभिमानिता आती है कि जो कुछ है उस प्रभु की अनुग्रह से है, मैं तो निमित्त मात्र। और उपासना करते करते हम उसके साथ एककार हो जाते, उसमें तन्मय तद्रूप हो जाते, तादात्म्य भाव से उसके साथ जुड़ जाते हैं। आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए उस प्रभु का नाम ओंकार, एक बार भी ओंकार का उद्घोष होता है तो हमारा तन मन जीवन पावन। वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। प्रार्थना के बाद क्रियात्मक व्यवहारिक योग अभ्यास को हम आगे बढ़ाएं। मैं हमेशा कहता हूं, योग के दो बड़े पक्ष हैं। एक योग का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति करना, सर्वम खलु इदं ब्रह्म
ब्रह्मेदमम्बितं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् ईशवास्यमिदं सर्वं सोतपश्च प्रोतश्च प्रदास सियाराममयि सब जगजानी वासुदेव सर्व सर्वत्र उस ब्रह्म तत्व को अनुभव करते हुए स्वयं को उसी ब्रह्म का प्रतिरूप प्रतिनिधि के रूप में विकसित करना, जागृत करना, प्रकाशित करना, स्वयं को सामर्थ्यवान बनाना और जीवन और जगत में भगवत्ता की प्रतिष्ठापना करना, सब जगह भगवान का साम्राज्य, सत्य न्याय धर्म का साम्राज्य हो, ये योग का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष। दैवी संपदा से हम युक्त हों, उच्च चेतना में रहें, योग को, धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को, ज्ञान को केंद्र में रख कर के जिए, ये योग का आध्यात्मिक पक्ष है। उसे जीवन में अहिंसा, सत्य, से ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश प्रणिधान, ये जो यम नियम है इनका आधान समावेश होता जाता है और मानव महामानव, पुरुष महापुरुष बनता जाता है, इंसान भगवान के रूप में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। ये योग का आध्यात्मिक पक्ष है, इसका भी हम अनुभव करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा योगाभ्यास दृढ़ होता जाएगा, योगाभ्यास में हम परिपक्व होते जाएंगे, साधना घटित होती जाएगी, तो योग का ये परिणाम अपने जीवन में हमको देखने को मिलता है। मैं 9 वर्ष की उम्र से योग कर रहा हूं, आज जीवन में मैं जो कुछ भी हूं योग की बदौलत हूं, और मैं चाहता हूं बच्चों से बुजुर्ग तक पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं वो सब योग करेंगे तो एक बहुत अच्छी दुनिया हमारी आंखों के सामने हम देखेंगे। ये काम तो सबको करना है। आइए अब योग का जो व्यवहारिक स्वरूप है इसमें क्या क्या करना है। यहां छत्रपुर की धरा पर कल आना हुआ और कल शाम को ही मैंने देखा कि रावण का दहन हो रहा था और पूरा छत्रपुर हजारों की संख्या में यहां स्टेडियम में एकत्रित था। बाहर के रावण को तो हमने मार दिया, हमारी भीतर जो रावणी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनका भी हमें खात्मा करना है। और बाहर भी बहुत से रावण हैं, बहुत से कंस हैं, जरासंध हैं। भगवान श्री राम ने ताड़का से लेकर के, भगवान कृष्ण ने पूतना से लेकर के, रावण और कंस आदि तक हमारे महापुरुषों ने सबका वध किया, मैंने मोक्ष किया। तो बाहर और भीतर जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनसे हमें मुक्त होना है। आइए मिलकर के योगाभ्यास को आगे बढ़ाते हैं और एक व्रत लेकर के जाएंगे, करीब 20 मिनट रोज व्यायाम करना है। अब मैं आपको एक पूरा क्रम बताता हूं, 20 मिनट व्यायाम का क्रम रहेगा जिसमें योगिक जॉगिंग 3 से 5 मिनट, अभी सिखाते हैं तो 5 मिनट लग जाते हैं, 2-3 से 5 मिनट फिर सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद जो जवान है वो कठिन व्यायाम कर सकते हैं जिसको बैठक करते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम, फिर थोड़े से आसन 10 मिनट के आसन, ये आधा घंटे का 20 मिनट का व्यायाम जो जवान है उनके लिए, 10 मिनट का आसन, और उसके बाद में करीब 45 मिनट का प्राणायाम। ये तो सबके लिए जरूरी है, बाकी अधिक समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं आप। आइए खड़े हो जाएंगे मेरे साथ, यहां सब जीव जंतु खूब वो भी व्यायाम कर रहे हैं। आइए खड़े होकर के अभ्यास
याद रखना, ये 12 अभ्यास याद रखना, भूलना नहीं, ये पहला अभ्यास है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करना, ये बड़े बुजुर्गों वाली स्टाइल। होले होले, जब मेरे पे स्वास्थ्य लेते हैं खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से, ये पहला। दूसरा, चलिए तीसरा, ये बड़े बुजुर्गों वाली स्टाइल है, धीरे धीरे करना है। और जवान जवान जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, स्वाभिमान को दिल से जगा दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान को दिल से जगा दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। योग करेगा तो तू रोगी होगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा पूरा। आज भी स्वस्थ परिवार एक साथ आए, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, माता पिता भी बच्चे भी साथ में, ऐसी रोज कर एक आदत बना लो। अपने को योग करना ही है, सुबह का जो पूरा कर पाए बैठ जाए। सदियों से लोग त्रस्त थे दुख से व रोग से, सदियों से लोग त्रस्त थे दुख से व रोग से, सदियों से स्वाभिमान। लोभ से आंखें इन्होंने खोल दे, सबको जगा दिया। मानव जन्म का अर्थ इन्होंने बता दिया, आंखें जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया।
लेते हैं हम शपथ के न भूलेंगे देश को, लेते हैं हम शपथ के न भूलेंगे देश को, लेते हैं आज व्रत के संवारेंगे देश को, सुधारेंगे देश को। जननी है मातृभूमि किसने ये तन दिया, किससे उड़न न होंगे इन्होंने बता दिया। जननी है मातृभूमि किसने ये तन दिया, किससे उड़न न होंगे गुरु पर बता दिया। ओ जन जन में किसने योग का दीपक जला दिया, कलियों की तरह पंखड़ियों की तरह खिला हुआ शरीर, चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरा शरीर सदा हुआ कठा हुआ, हेल्थ फिटनेस और फिगर्स को अच्छा रखने के लिए, कुछ भी भीतर गड़बड़ी ना, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बराबर रहे। और वेद में भगवान ने कहा, सब मेरे साथ बोलेंगे, अस्मा भवतु नस्तनो हो। अस्मा कहते हैं वज्र, हमारे शरीर वज्र की तरह, भले मुंह चलो दोनों हाथ सामने, होले होले करना पहले, ये 12 अभ्यास होंगे सूर्य नमस्कार के, फिर इसके बाद जवानों के लिए 10 बैठक, 10-12 बैठक और फिर 8 दोनों पैर पास में, लंबा श्वास, हाथ पीछे ऐसे जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, जिससे जितना बनवाई करने की कोशिश करें, फिर ऐसे, फिर ये दाहिना पैर सामने से उठेंगे, एक बार जरा देख लो, बाद में लय के साथ करेंगे, कोशिश करो, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो कर ही लेंगे। बाएं पैर आगे, फिर दाहिना, ये पहला, ये दूसरा, फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है इससे, बहुत अच्छा। ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है, जाग उठा है देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की, देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है,
रहा है, देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का जमीन की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का जमीन की तैयारी है। जो जवान जवान है मेरे साथ ऐसे बैठ जाओ, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बटरफ्लाई कर लेना, और बड़े बुजुर्गों के लिए बटरफ्लाई और ये सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाना, पूरे पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल गोल घुमाना, ऐसे ऐसे ये अलग अलग तरह के जो व्यायाम करते हैं ऐसे ऐसे घुमा, ये सूक्ष्म व्यायाम को सब कर सकते हैं। व्यायाम हल्के हल्के व्यायाम ये बड़े बुजुर्गों के लिए, जो जवान है ना उनको 12 दंड और 8 बैठक लगाने चाहिए, जो लगाएंगे वो भी जवान बन जाएंगे। थोड़ा हौसला होना चाहिए और शरीर में थोड़ा सामर्थ्य भी होना चाहिए। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है ना, ऐसे ही बल से बल बढ़ता है। सुबह उठ करके बल लगाएं, थोड़ा सा हिम्मत करें तो बल से बल बढ़ेगा, बलवान बनेगा। सबको बलवान बनना है, चरित्रवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, महान बनना है ना। चलो लंबे लंबे सांस लेते हुए जो जवान है मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम या भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करेंगे। चलिए आजाद हुए हम फिर भी मन से गुलाम थे। अगला प्यार हनुमान। युग बीते आजाद हुए हम फिर भी मन से गुलाम थे, देश की मर्यादा को भुला कर दबे हुए गुमनाम थे, देश की मर्यादा को भुला कर दबे हुए गुमनाम थे। वीर शहीदों के बलिदान को विस्मृत कर अंजान, जवानों के वीर शहीदों के बलिदान को विस्मृत कर अंजान। आज मगर लौटी है चेतना, आज मगर लौटी है चेतना, जग उठने की बारी है। आज मगर लौटी है चेतना, जग उठने की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी। सब कुछ सीखना तो है, कोशिश कर लो जवान जवान। देखो फिर उठ गए, फिर आ गए। नवीन भारत में न कोई बालक भूखा सोएगा। कैसा भारत बनाना है, अपने देश को भी तो सुंदर और अपने देह को भी सुंदर सवारना।
अब नवीन भारत में कोई बालक भूखा सोएगा, अब अनपढ़ रह कर ना कोई अपने भाग्य को रोएगा, अब अनपढ़ रह कर ना कोई अपने भाग्य को रोएगा, छोड़ भोग को योग करेगा हर दुर्बलता खोएगा, छोड़ भोग को योग करेगा हर दुर्बलता खोएगा। राम कृष्ण गौतम के वंशज, राम कृष्ण गौतम के वंशज जाने दुनिया सारी है, राम कृष्ण गौतम के वंशज जाने दुनिया सारी है, स्वाभिमान जगा भारत का रंग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, जाग उठा है देश ये सारा। ऐसे 10, 20, 50, 100 बार तक कर सकते जवान जवान, 12 करंट तो हो गए जवानों के लिए, बलवान बनेंगे, 8 बैठक सब लगाएंगे, चलो खड़े हो जाओ, बोलो भारत माता की जय। सक्षम देश की जनता सारी है, सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, जाग उठा है देश ये सारा दृढ़ संकल्प की पारी है, जाग उठा है देश ये सारा दृढ़ संकल्प की पारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, नवयुग की तैयारी है, नवयुग की तैयारी है, नवयुग की तैयारी। अब जो इतना व्यायाम कर लेगा वो कमजोर रहेगा, बीमार रहेगा, जो फिर बलवान है ना उनको तो ये वृक्षासन और मयूर चाल भी कर लेना चाहिए। ये जवानों के लिए बता दिया, चलो बैठ जाओ जवानों, बहुत से तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। सुनो अब बच्चों के लिए आसन बता देते हैं, 5 आसन तो सब बच्चों को जरूर करने चाहिए, पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, और यदि हो सके तो
शीर्षासन, मयूरासन, ऐसे कठिन गरुड़ासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथ उठाओ, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हमेशा याद रखना। कोशिश करो ऐसे आगे झुको, आगे झुके माथा घुटनों से लगा दो। ये बहुत अच्छा है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। शरीर अकड़ जाता है ना उम्र बढ़ने के साथ साथ, हार्ड हो जाती मांसपेशियां। तो सुनो भाई बहनों, ये बड़े ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, बच्चे तो कर लेना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो ना करना। सर्वांग बच्चे तो शीर्षासन कर, ये बच्चों के लिए बताया, बच्चे ये करके फिर थोड़ी देर खड़े हो जाएं अथवा ये ताड़ासन कर लें। फिर बच्चे तो ऐसे गरुड़ासन भी कर सकते हैं। देखो ऐसे ये बटरफ्लाई वगैरह सब कर सकते हैं, बच्चे तो पद्मासन भी कर सकते हैं ऐसे। ये व्यायाम का कोर्स पूरा हो गया। कितनी देर करना है रोज व्यायाम? 20 मिनट। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन देखो, आप रोज 20 मिनट चलते हो ना तो चलते रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं विशेष। रोज यदि 20 मिनट व्यायाम करते हो तो 100 साल तक ऐसे दिखोगे जैसे कोई 20 साल का जवान होता है। आप अच्छी तंदुरुस्ती तो चाहते हो, जवान तो दिखना चाहते हो, समय किस काम में कितना लगाते हो? पैसे कमाने के लिए समय कितना लगाते हो बोलो? 12 से 18 घंटा। चलो, पढ़ाई के समय पढ़ाई में कितना समय लगाते हो? 8 से 12 घंटा, इससे ज्यादा कोई पढ़ नहीं पाता है। पढ़ाई के लिए माने ज्ञान के लिए 8 से 12 घंटा, धन के लिए 12 से 18 घंटा, परिवार के लिए थोड़ा बहुत तो समय लगाते हैं। जिस काम के लिए जितना समय लगाते हैं उससे उतना उपलब्धि होती है। शरीर को सेहत को अच्छा बनाने के लिए कितना समय लगाते हो? 0। फिर तो 0 हो गई भैया। अच्छी हेल्थ के लिए कितना समय लगाना चाहिए? कम से कम 1 घंटा। समय कितना होता है हमारे पास में? इसको बोल रहा हूं अब मैं लाइफ मैनेजमेंट। क्या बोल रहा हूं? लाइफ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। 1 घंटे का योग के लिए समय लगेगा तो 6 घंटा नींद अच्छी आएगी, 16 से 18 घंटा आप काम अच्छे से कर पाएंगे, भूख अच्छी लगेगी, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी, मन खुश रहेगा, या दोनों चीज गड़बड़ है?
पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ, तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं है और मन को शांति भी नहीं है। चलो अब बैठो, 12 आसन करने के लिए ऐसे बैठो। अंगूठा अंदर, उंगलियों ऊपर, मुठ्ठियां बंद, रोजी 12 आसन करना, शुगर की बीमारी, पीपी की बीमारी, कमर की बीमारी, मोटापा की बीमारी, देखो 99% बीमारियां प्राणायाम से और ध्यान से अच्छी होंगी, लेकिन मोटापा के लिए, कमर के लिए, शुगर के लिए आसन विशेष लाभ करते हैं। अभी आपको खड़े होकर के भी बताया था ना, साइड में झुकना, क्रॉस करके झुकना, आगे पीछे झुकना, उससे मोटापा कम होगा। बैठ के ग्राइंडिंग चक्की घुमाना और क्रॉस करके पैर छूना, उससे मोटापा कम होता है। अभी जो आपका अभ्यास बता रहे ना, इसमें शुगर से लेके, मधुमेह से लेकर के और मेरुदंड से लेकर के मोटापा तक सब अभ्यास बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे साथ 12 आसन करेंगे, है ना, 12 आसन सीख लो, फिर रोज करना, सबको बताना। देह को, देश को, दोनों को बचाना है, योग सीखना है, सबको सिखाना है, सबको योगी बनाना है। सुबह सुबह योग करें, बाकी दिन में अपना अपना काम करें, सच्चाई से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। ये बहुत अच्छा है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। आगे झुक के थोड़ी देर रुका करो, पेट की सारी मांसपेशियां सेट हो जाती है, मसल्स का इंबैलेंस भी बहुत खतरनाक होता है। शरीर में एक एक चीज ठीक रहनी चाहिए, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम बैलेंस, हेल्दी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। आसन व्यायाम से हार्डवेयर अच्छा हो जाता है, प्राणायाम ध्यान से बॉडी का सॉफ्टवेयर, इंटरनल सिस्टम अच्छा हो जाता है। दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ के थ्री नाभि की प्राणायाम, उसके ऊपर रोज करना है इसे, और कुछ दिन लगातार करोगे ना तो देखोगे पूरा शरीर रूपांतरित हो जाएगा। दूसरा जन्म होता है योग से, पुनर्जन्म, दिव्य जन्म, रिबर्थ। मुंडोकासन के बाद अब शशकासन, दोनों हाथ ऐसे, हाथ ऊपर उठेंगे, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ, फिर हाथ ऊपर, फिर ऐसे, ये बहुत अच्छा है। पीस ऑफ माइंड के लिए झुकने से ना अपना दिमाग ठीक रहता है। माता पिता के चरणों में झुका करो, सुबह उठ कर उनको प्रणाम किया करो, मातृदेव भो, पितृदेव भो, आचार्य देव, तिथि देव, राष्ट्र देव भो, दाएं पैर मोड़ लो, ऐसे बाएं पैर सीधा, ऐसे घूम गए, ये वक्रासन पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी, कमर के लिए भी। देखो इसमें पेट का पूरा व्यायाम हो जाता है।
और फिर गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, ऐसे पीछे से पकड़ना, ऐसे पकड़ने आ जाएगा। नहीं तो थोड़े दिनों में कंधे दुखेंगे, गर्दन दुखेगी, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पाइनल पेन, ये सब होने लगता है। ऐसे ही देखो ये गोमुखासन, फिर दूसरी तरफ से भी, फिर देखो ऐसे लेट जाओ, फिर ऐसे, ये कमर के लिए बहुत अच्छा, कमर के लिए थोड़े सूक्ष्म एम भी बाद में और बता दें, ऐसे, फिर ये भुजंगासन, ये बहुत अच्छा है कमर के लिए। फिर दूसरा ये कमर के लिए बहुत अच्छे, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, शेटिकल लोमा स्पोलाइटिस, एंक्रोचिंग स्पोलाइटिस तक अच्छा हो जाता है। फिर ये शलभासन है, ऐसे फिर दोनों तरफ से उठा देते हैं, फिर देखो ये मरकटासन बहुत अच्छा है, एक तरफ पैर, एक तरफ से गर्दन, इसमें एक एक अभ्यास को तीन तीन पांच पांच बार कर सकते हैं जिनको भी कमर की प्रॉब्लम हो। फिर दोनों पैरों को खाओल करके ऐसे, फिर तीसरा होता है ऐसे पैर खोल करके ऐसे, ये भी बहुत अच्छा है, जिससे जितना बन पाए ऐसे पैर को विपरीत दिशा में जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाते हैं। फिर पवन मुक्तासन, ऐसे कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठा करके ऐसे पैर को ही दबा देते हैं, दोनों पैरों से भी करते हैं, गैस और चूर्ण खा लेते, ज्यादा गैस बनती है तो थोड़ा सा अंकुरित मेथी, छोटी छोटी चीजें बड़ी लाभप्रद होती है। फिर एक एक पैर को उठाने, ऐसे जिनको मोटापा ज्यादा है उनको तो ये अभ्यास है, ऐसे है ना, फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे, फिर बड़ा शन्य बनाते हैं ऐसे 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 पांच पांच बार से शुरू करके पचास पचास बार कर सकते हैं, जितने भी मोटे मोटे हैं और मोटी मोटी है, पतली पतली हो जाएगी सब, सबको पतली पतली कमर चाहिए ना, जीरो साइज होता नहीं है, उसे कहते जीरो साइज होना चाहिए, कमर तो एकदम साइड से देखो तो बस ऐसे इतनी सी, फिर ये साइकिलिंग, ये बारह आसन सबको करने चाहिए दोनों तरफ से। एक तो देखो दोनों परोसे से मिला के भी कर सकते, कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो दिक्कत होगी ऐसे, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे, फिर थोड़ी देर शवासन। आज तो जीव जंतु खूब नृत्य कर रहे हैं, इसलिए शवासन मैं आपको विश्राम नहीं करने देंगे, तो चलो अब आपको ना बैठ करके ये दो अभ्यास ये भी बड़े अच्छे हैं, एक तो ऐसे ये कर लो ऐसे, है ना, इससे पेट पीठ हल्के हो जाते हैं, ये हल्का ये सूक्ष्म है ऐसे, और फिर ये बहुत अच्छा ऐसे बटरफ्लाई ऐसे ऐसे, और
अब सब सीधे बैठ करके थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर प्राणायाम। देखो ये तो सूक्ष्म व्यायाम अभी पैरों के लिए तो करवाया था, थोड़ा हाथों के लिए भी, गर्दन के लिए भी, ऐसे 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 ऐसे, एक तो ये और फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे साइड से, फिर ऐसे ऐसे घूम, ऐसे ऐसे घूम, दोनों तरफ से पांच पांच दस दस बार ऐसे। जिनको कमर में दर्द गर्दन में दर्द है वो थोड़ा आसन करना, जो अभी बताए थे ना, चार आसन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बरकटासन, ये अभ्यास करना थोड़ा। कमर में दर्द गर्दन में दर्द कंधों में दर्द सर्वाइकल स्पिनाइटिस भी नहीं, सब नहीं होगा ऐसे। और फिर ये सिर के पीछे ऐसे हाथ बांध के इंटरलॉक करके ऐसे हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और दबाव देना, ऐसे गर्दन के लिए, फिर ऐसे ऐसे ये कंधे इससे हल्के हो जाते। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो ना तो ये जीवन संवर जाता है, असाध्य रोग मिट जाते। हमने लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, जो कुछ आपको कह रहे हैं ना वो किताबों से पढ़ करके नहीं कह रहे हैं कि योग से ये लाभ होता है, कि योग से ये बीमारी ठीक हो जाती है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। चलो सीधे बैठते हैं, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, प्रभु को प्रणाम करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसके अनुग्रह को अनुभव करते हुए आप भस्त्री का प्रणाम करेंगे। कितना अनुग्रह, कितनी कृपा, कितने उपकार हैं उस प्रभु के, कितने एहसान हैं उस भगवान के, अपनी जितनी पात्रता नहीं है औकात लायकात भी उससे ज्यादा उस प्रभु ने दिया है, उसका शुक्रिया करते हुए प्रभु तू कब से बाट जो रहे अपना सब कुछ हमें अर्पित करने के लिए। एक बार जैसे ही उस प्रभु के साथ हमारा संबंध जुड़ता है तो भगवान का इतना अनुग्रह हम पाते हैं, उसकी कृपा, कृपा पाने के लिए बस थोड़ी सी पात्रता पैदा करो। भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देते हैं, लंबे गहरे श्वास भरते हैं। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है लंबे गहरे श्वास। एक लय के साथ किया करो, एक तान तन्मयता, एक तान पर हर श्वास के साथ ओम का जब श्वास लिया तब ओम मन ही मन, श्वास को छोड़ा तब मन ही मन, ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ओम इति एकाक्षरम् ब्रह्म ओम कृतोऽस्मि प्रभु धनुष्योष्यात्म ब्रह्म का लक्ष्य ओम।
ओम का ध्यान करते हुए वस्त्र का प्राणायाम ऐसे करना चाहिए। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है सबका सानी, भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है सबका सानी, निर्विकल्प आनंद रूप जो, निर्विकल्प आनंद रूप जो सबका है अंतर्यामी, मस्तक पर जिनके तारों का, मस्तक पर जिनके तारों का तीन लोक में ज्योतिर्मान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है। ऐसे प्राणायाम करने से ना पांचों प्राण प्राण अपान ज्ञान जान समान, पांचों का प्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, पांचों को शन में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सबर पुष्ट हो जाते, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर लेते हैं। रोज 5 मिनट ऐसा करना है। करो भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, मस्ती से, ये जिंदगी का एक सूत्र दे रहा हूं। आप सुखी रहना चाहते हो, जिस काम को करो ना तो ये एकाग्रता। इंडिया सिर्फ प्रसन्नता से करो, उस काम में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा और मन खुश रहेगा। जब जिस काम को करो उसी में खो जाओ, उसमें मस्त हो जाओ। खेती करो, व्यापार करो, पढ़ाई करो, जो भी काम करो उसी में समाहित हो जाओ। इसी का नाम योग है, योग है समाधि, उसमें समाहित हो जाना। सूरज में रोशनी उसे की, चांद में शीतलता भारी, सूरज में रोशनी उसी, चांद में शीतलता भारी, सागर नदिया झील बहाकर, सागर नदिया झील बहाकर कहाँ छुपा अंतर्यामी, हर जीवों में प्राण उसी का, हर जीवों में प्राण उसी का, कण कण में वो शक्तिमान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र
नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा प्रणाम अर्पित मेरा नम्र प्रणाम अर्पित मेरा नम्र प्रणाम अर्पित मेरा नम्र प्रणाम महान जगदीश्वर को है। ऐसे भस्त्री का प्राणायाम 5 मिनट कम से कम करो जब बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे किसी को SLMS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, तो 10 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये 3 महत्वपूर्ण प्राणायाम। कपालभाति अनुलोम विलोम तो अद्भुत है, देखो ऐसे पूरे पेट का इसमें व्यायाम होता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इन्हीं में तो प्रॉब्लम है। 3 चीजें गड़बड़ होने से बीमारी होती है, याद रखना। 1 पेट की खराबी, 2 मोटापा और 3 स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड obesity is the motherland of all diseases. 3 पेट की खराबी, विविधा रोग आ जायन्ते प्रायशः मल संचयात। पेट ठीक है तो तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, मन खुश रहता है, सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, तो मन दुखी, शरीर भी बेकार हो जाता है। इन 3 चीजों को ठीक रखें, पीस ऑफ माइंड, मन में खुशी, प्रसन्नता, आनंद, कपालभाति से चित्त भी शुद्ध होगा, दिमाग ठीक रहेगा तो विचार ठीक रहेंगे, विचार ठीक रहेगा तो वाणी, व्यवहार, स्वभाव, पूरा जीवन अच्छा रहता है। आदमी के जैसे विचार होते वैसे तो इंसान जिंदगी जीता है। आदमी अच्छा है या बुरा है, सुखी है या दुखी है, इसके पीछे कारण होते हैं उसके विचार। तो प्राणायाम करने से शरीर की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, दिमाग शुद्ध ठीक रहता है, विचार ठीक रहता है, कपालभाति माथे पर चमक रहती है, पेट ठीक रहता है, वेट तो बढ़ेगा ही नहीं। एक नियम बना लो, एक व्रत ले लो, अपने को सुबह उठ करके योग करना ही करना है, उसमें कपाल भाते अनुलोम विलोम ये दो तो छोड़ना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कितनी इमरजेंसी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शादी विवाह हो, परिवार में होनी अनहोनी होती रहती है, ये तो जिंदगी का प्रवाह है, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, सुख दुख आते जाते रहते, लेकिन अपने को योग नहीं छोड़ना। योग करेंगे तो दुख भी सुख में बदल जाएंगे, प्रतिकूलता अनुकूलताओं में, पराजय विजय में, अपमान सम्मान में जिंदगी बदल जाएगी। कपालभाति, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसी भगवान को। प्राणायाम करते करते समत्वम योग उच्यते, योग सहकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःख। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। सबको योगी होना है, योगी होगा नहीं फिर वो कभी रोगी नहीं हो सकता, भोगी नहीं हो सकता, वो दुनिया के दुखों से पार चला जाएगा, संसार में तो सुखी होगा ही, मोक्ष हो जाएगा उसका, जीते जी मोक्ष, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। सहज योग सहज समाधि,
विदेह भाव की प्राप्ति। कपाल भाती करो ना, जो बच्चे करेंगे वो प्रज्ञावान होंगे, बुद्धिमान होंगे, चरित्रवान होंगे, बलवान होंगे, सब करेंगे तो सब तंदुरुस्त रहेंगे। कपाल भाती ना एक रिदम के साथ करना चाहिए, इससे मन का कंसंट्रेशन भी होता है। जब बच्चे करेंगे उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, वो जो है ना एकाग्र होंगे, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो पढ़ेंगे वो याद होगा, भूलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ, मैंने बचपन में योग किया, दिमाग ठीक रहता है, पढ़ाई में नंबर वन मैं चाहता हूँ, नॉलेज में नंबर वन, हेल्थ में नंबर वन, करेक्टर में नंबर वन, खुद बनना है नंबर वन और देश को बनाना है नंबर, ये तो काम करना है। हाँ भाई बहनों देखो, इसमें कंधे नहीं लेंगे, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है, बहुत गड़बड़ी आ गई है ना, घोटाले ही घोटाले, बाहर जो घोटाले हुए सो हुए, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, और ये कोयला घोटाला, ये तो महा घोटाला है, सबको बताना, ये कितने लुटेरे, एक ही बात से सब पोल खुल जाती है इनकी। अब हंडिया में चावल पक रहे हैं तो पूरी हंडिया देखती हो मैया, या दो चार चावल निकाल के, बोलो दो चार चावल निकाल के देखते हैं, इसको थाली पुलाक न्याय कहते हैं। तो घोटालों के बारे में भी सुन लो जरा, दो चार कोई सबको पता है, बोफोर्स घोटाला का था, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला। मैं अब एक बड़े घोटाले के बारे में बताता हूँ, उससे सारा पता लग जाएगा। 195 खदाने, 50 बिलियन टन कोयला, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत होती है 400 लाख करोड़ रुपए। हिसाब किताब मैंने घर का तो रखा नहीं, देश का रखता हूँ। घर का इसलिए रखा, साधु बन गया, और देश का इसलिए रखता हूँ, जो देश धर्म संस्कृति के बारे में सोचता नहीं वो साधु साधु ही नहीं है, सन्यासी सन्यासी नहीं। कितना? 150 खाने माइंस, और 195 उनमें 50 बिलियन टन कोयला, उसकी कीमत होती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में 400 लाख करोड़ रुपए। कितना बोलो? तो ऐसे लूटने वालों को वोट दोगे? इसलिए यदि जिंदगी को अच्छा बनाना है तो योग करना, देह को अच्छा बनाना है, देवालय शिवालय बनाना, मानव को महामानव, इंसान को भगवान बनाना है तो योग करना, और देश को अच्छा बनाना है तो अच्छे लोगों को वोट करना, उससे काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, भ्रष्ट व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, देशभक्त की क्या पहचान? अंगुली पर चुनाव निशान। जो वोट नहीं करता वो देशभक्त नहीं, वोट करना है, उससे लोकतंत्र की खोट दूर होगी। लोकतंत्र को लोगों ने लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, नोट तंत्र बना दिया है, नोटों में माल बिका हुआ है, जिसको खरीदो बस बोली अलग अलग है, नीचे से ऊपर तक बिकते रहते हैं, लेकिन जो योग करेगा वो बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तुम क्यों रुक गए भैया, कर लो ना कपाल। बोले बाप ने घोटाला सर, अरे भीतर भी तो घोटाला हो रहा, का बीमारियों का, मोटापा का, बीपी का, शुगर का, प्रोस्टेट का, यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम का, गैस का, कब्ज का, कोलेस्ट्रॉल का, और फिर करते करते सुख भी मुझे प्यारे है। दोनों ही तुम्हारे, वो तेरी शरण है। कपाल भाती लय से करना, करते करते ना मन शांत हो जाएगा। लय से करो, आंखें बंद करके करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं,
सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। लगातार करो, रुकना नहीं, निरंतर पास। देवालय शिवालय बंधे अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयुक्त्य यस्यां हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये शरीर, ये अयोध्या, यही काशी मथुरा वृंदावन, यही हिमालय, यही शिवालय, यही मानस सरोवर, यही कैलाश में शिव विराजते। तू ही शिव है, तत्त्वम शिषेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तेरे भीतर ही ब्रह्मांड है, तेरे भीतर स्वयं ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुझे को याद करूं, मैं तुझे को याद करूं। मैंने तो तेरे पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे प्यारे, मैं किसे भगवन, दो
मोहित नारे छोड़ू मैं किसे भगवन मोहित नारे सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, वंदे मातरम। भाई बहनों, एक तो कपाल भर और एक ही अनुलोम, ये दो तो कभी नहीं छोड़ना, भूलना ही, तन मन जीवन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, देखो ऐसे हाथ रख के किया जाता है, एक बार सीख लो, बाएं से लिया फिर बाएं से लेके दाएं से छोड़ना, देखो ऐसे जो पहली बार कर रहे हैं ना वो ध्यान से सीख लो, फिर दाएं से जिसे छोड़ा उसी से लिया, फिर दूसरे छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, लंबा लेना लंबा छोड़ना, स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, स्ट्रेस इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाणाम कारण, प्रज्ञा में गड़बड़ी आ गई, आपको प्रज्ञा पुत्र बनना है, प्रज्ञावान बनना है। ओव्यामे धाम देव गण पुत्र पितरश्य उपासते तयामे मामद्य मेधयाग्नि मेधाग्निनम कुरु तस्य सप्तथा प्रज्ञा। ये जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो प्रज्ञा की सप्त भूमियां होती है उनमें आपका प्रवेश कराता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, लय के साथ करेंगे, और करते करते प्राणायाम आप देखेंगे, अरे ये बाई गंगा दाई यमुना बीच में सरस्वती, बाई बाया ईडा दाई पिंगला बीच में सुषुम्ना, अग्नि सोमा आत्मकम इदम जगत। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां सिजोफेनिया जैसी, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, पैरालिसिस और क्या क्या नहीं ठीक किया हमने, और इसके साथ साथ एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सब तो गायब हो जाता है अनिद्रा। हाँ, अनुलोम विलोम, और फिर मन एकदम खुश रहता है। मैं कह रहा था दो चीज़ें, गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, बस यही तो जिंदगी बचे, बाकी तो जो जिसका सामर्थ्य उतना अपना काम करते जाना, जिंदगी में खुश रहना, और ये सोचना क्या इसके बिना में मेरा गुजारा हो सकता है, तो आप देखेंगे पाएंगे जिंदगी में आपको खुशियां खुशियां मिलेंगी। अनुलोम विलोम भाव से करना, रुकना नहीं। इस युग में एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, श्रद्धे पूज्य वंदनीय पंडित श्याम शर्मा, उन्होंने हम बदलेंगे युग बदलेगा का नारा दिया, युग निर्माण योजना मथुरा से शुरू की और फिर शांति कुंज हरिद्वार, आज एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय और इधर पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से हरिद्वार में ये तो देवभूमि है ना, वहाँ से देवत्व का अनुष्ठान चल रहा है, तो सबको उन्होंने जगाया, उनके संकल्पों का भी हमें भारत, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद के संकल्पों का भारत, 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं के संकल्पों का भारत। आओ अनुलोम विलोम, मन के भटकावे छोड़ो, अब भ्रम में मत रहो, उलझन में मत रहो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो, योग की राह पकड़ लो, देह को, देश को, सबको बचाना है, इसे धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करना है ना, बात हो चुकी अब बातें, अब तो कुछ करके दिखाना है। अनुलोम विलोम भाव से करना, रुकना नहीं है, मेरे साथ साथ सब करेंगे। अब सबके संकल्प पूरे होंगे, जो सपना देखा था श्रद्धे गुरुजी गोलवलकर जी, जो सपना देखा था युग दृष्टा श्याम शर्मा ने,
और युग प्रोध महर्षि दयानंद और महामानव स्वामी विवेकानंद ने श्री अरविंद ने वो सारे सपने पूरे होंगे चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के, ऋषियों का भारत बनेगा, रामकृष्ण का भारत है। आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, रोज खुद योग करना देखना। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। अरे लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। हर लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। सुनो युग दूत बुलाता, मत इसको झुटलाओ। भीतर से सद्भाव जगाता, इस पर ध्यान लगाओ। सुनो सुनो युग दूत बुलाता, मत इसको झुटलाओ। भीतर से सद्भाव जगाता, इस पर ध्यान लगाओ। अरे अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ। सद विचार सदगुरु से पाकर, जन जन तक पहुंचाओ। अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ। सद विचार सदगुरु से पाकर, जन जन तक पहुंचाओ। अवसर अनमोल पकड़ लो रे, अपना प्रयास तो कर लो रे। थोड़ी हिम्मत तो कर लो रे, जब तप का बस नाम करो ना। अच्छा सा कुछ काम करो ना, जब तप का बस नाम करो ना। अच्छा सा कुछ काम करो, मन की मनमानी छोड़ो। मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो रे। मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह पकड़ लो। हर लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। स्थान खंडित नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो। किसी भी अनुष्ठान को सफलता नहीं मिलती यदि खंडित हो जाता है। अखंड रहे सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसन तदृढ़ भूमि। आंखें बंद कर करके करो ना, फिर जो महापुरुष हमें जगाते हैं ना, वो जागरण भीतर से आप अनुभव करेंगे। भीतर तक जागृत प्रकाशित होंगे आप। 1% ही तो हमारी शक्तियां काम कर रही होती, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा ज्ञान 1% से 5% ही जागृत होता है, बाकी तो साइलेंट होता है। इसीलिए तो हम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष नहीं बन पाते। आओ महापुरुष जगा रहे, जागो प्यारे। उत्तिष्ठतो जागृत यो जागारतम ऋचक्कामयन, यो जागारतम सामान्यन्ति, यो जागारतमयम सोमाः तवाहमस्मि सक्येनोका। डरना यदि असुर शक्तियां, दिखे भयानक भारी। समय के एक थपेड़े से बह जाते अत्याचारी।
करना यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी समय के एक थपेड़े से ढह जाते अत्याचारे समय समय पर युग दूतों ने बिगड़ी बात संभाली प्रजा पुत्रो आगे आओ आज तुम्हारी बारी समय समय पर युग दूतों ने बिगड़ी बात संभाली प्रजा पुत्रो आगे आओ आज तुम्हारी बारी मन को मत छोटा होने दो साहस मत ओछा होने दो प्रभु की मर्जी भी होने दो प्रभु की लीला याद करो रे धरोरे प्रभु की लीला याद करो रे देखो पिसा धैर्य धरो मन की कायरता छोड़ो मन की कायरता छोड़ो बसंती चोला रंग लो रे मन की कायरता छोड़ो बसंती चोला रंग लो अरे लुटा रहा युग पुरुष सिद्धिया चाहे झोली भर लो रे भर लो रे भर लो रे धर्म के भटकावे छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो धर्म के भटकावे छोड़ो कुछ काम देश का कर लो के साथ आपको भी गाना है कुछ करके दिखाना है बार बार सोचते रहते मैं यदि अंग्रेजों के वक्त में होता तो उनके छक्के छुड़ा देता वो देश को लूट नहीं पाते मैं यदि गुरु गोविंद सिंह जी के समय में होता तो चंद्र जोरा और फतेह सिंह उनके बच्चों को दीवारों में नहीं चलाना पड़ता मैं महारानी लक्ष्मी बाई के समय होता तो फिर उनको अंग्रेजों के हाथों ऐसे मरने नहीं देता भाइयों अब तो हो ना अब कुछ करके दिखाओ अब भी भारत माता को लूट रहे हैं कुछ लुटेरे अब तो बचाओ पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते हम भी कुछ करके दिखलाते कभी न अवसर खोते पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते हम भी कुछ करके दिखलाते कभी न अवसर होते कभी न अवसर होते भाई सबसे आगे होते कभी न अवसर होते भाई सबसे आगे होते वो गोली पर भी डरते रहे तुम गोली बातों से डर रहे वो गोली पर भी डरते रहे पूरी बात से डर रहे अपनी गरिमा याद करो रे काम करो अब बात करो ना अपनी गरिमा याद करो काम करो अब बात करो ढिलमुल ढकोसले छोड़ो ढिलमुल ढकोसले छोड़ो वीरों की राह पकड़ लो ढिलमुल ढकोसले छोड़ो लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां चाहे धोनी भर लो रे भर लो रे भर लो रे हमके भटका भी छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो हमके भटका भी छोड़ो कुछ काम देश का कर लो हमके भटका भी छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो हमके भटका भी छोड़ो कुछ काम देश का कर लो हमके भटका भी छोड़ो कुछ काम प्रभु का कर लो हमके भटका भी छोड़ो कुछ काम देश का भारत माता की जय वंदे मातरम तो ऐसे उत्साह से भरे रहना दोनों पैरों को सामने कर लो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं देखो अब ना सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इसके बारे में ही आपको बात करेंगे और सितना भी कर लोगे ना तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये तो सबको करना है बच्चे बुजुर्ग सब कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं परफेक्शन की भी जरूरत है देखो अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाना है पंजे का आगे पीछे दबाना है ऐसे गोल गोल घुमाना है कितने हल्के हैं ना
कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे देह की बीमारी हो या देश की। एक बात मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा यहां दोहरा रहा हूं, फिर आपसे कुछ पूछूंगा। लोग कहते हैं एक अज्ञान फैल गया देश में, बीपी ठीक नहीं होगा, थायराइड ठीक नहीं होगा, अर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, हेपेटाइटिस ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, किसी भी बारे में बात करो ना, सब जगह अज्ञान भरा पड़ा है। विज्ञान के नाम पर अज्ञान, धर्म के नाम पर अज्ञान, संबंधों में अज्ञान, सब जगह अज्ञान, और देश के बारे में भी अज्ञान। भारत एक गरीब देश है, अरे मेरे भैया इसमें 20,000,00,000 करोड़ की तो भू संपदाएं हैं, 33,00,000 वर्ग किलोमीटर का है भारत। आज भी तीसरे नंबर की शक्ति खाली अमेरिका, चीन, जापान को हमसे आगे गिना जाता है। जिस दिन काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा, उस दिन तो भारत अमेरिका से भी आगे पहुंच जाएगा। कौन कहता है भारत गरीब है? इसको तो गरीब बनाया कुछ बुरे लोगों ने, 125,00,000 करोड़ लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया कुछ थोड़े से चंद मुट्ठी भर लोगों ने। उनको तो आसन करते करते सिंहासन पर बैठे लोगों को भी इस बार सबक सिखाना है। 2013 और 14 भारत के लिए निर्णायक वर्ष होंगे और सब महापुरुषों का संकल्प पूरा होगा। भारत में फिर से राम राज्य आएगा, सुख समृद्धि का साम्राज्य होगा, चारों ओर धर्म राज होगा। बस एक बार थोड़ी सी हिम्मत करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कालो उसमें लोक अक्षय कृत प्रविद्ध। देखो गीता का उपदेश भी दे रहा हूं और योग भी सुना पढ़ा रहा हूं। गीता पूरी तो गीता योग ही तो है, गोल गोल घुमाओ ना। कालो उसमें लोक अक्षय कृत प्रविद्ध लोकान समार्थम यह प्रवित्ता वित्ते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रत्यनुकेशु योद्धा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भोक्ष्यस्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचेन। ऐसे गोल गोल घुमा लेना, ऐसे ऐसे घुमा लेना, ऐसे 10-10 बार दोनों तरफ से कर लेना, ये बड़ा अच्छा। फिर ऐसे बड़े हल, बहुत ही अच्छे। देश के बारे में भी भ्रांति, रोगों के बारे में, देह के बारे में भी भ्रांति, सब जगह भ्रांतियां हैं। करो करो 10-20 बार ऐसे कर लिया करो, सब रोग भी मिटेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा नहीं। बीपी ठीक नहीं होगा, अस्थमा ठीक नहीं होगा, थायराइड ठीक नहीं होगा, मुर्गी की बीमारी, सब ठीक होगा। जो सोचते हैं ना कि काला धन नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, ये देश तो अच्छा बन ही नहीं सकता है, मेरे भाई सब कुछ ठीक होगा, हौसला रख। देखो ये बटरफ्लाई कितना अच्छा है। देखो अब आपसे पूछते हैं, आपने क्या क्या किया है? आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो रोज या कभी कभी योग करते हैं? आज तो सीख ही रहे, इससे पहले भी हाथ ही ना नजर, क्या बात है। छत्रपुर में तो सभी योगी हैं, एक बार अभिनंदन मैं करता हूं आपका। पूरी दुनिया में तो मैं देख रहा था योग हो ही रहा। छत्रपुर में आने से पहले करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष, ये बच्चे भी योग करते हैं, अच्छे बच्चे, इन बच्चों का भी अभिनंदन है। ये 3:30-4 बजे यहाँ, 4:30-4 बजे आ गए, सबसे पहले आगे बैठे, बैठ जाओ बेटे, बैठो, 3 बजे आ गए थे। ओ अच्छे बच्चे, ओ बोले बाबा चाव चढ़ा हुआ था, नींद ही नहीं आई खुशी में, तो बैठो बेटा, बैठ जाओ। देखो ये सूक्ष्म है। तो भाई बहनों मैं कह रहा था 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, 12,00,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, और दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 700 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग यूं तो पहुंच चुका है। और हर दिन देखो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की यदि प्रैक्टिस हो रही है तो वो योग है। सुबह उठ करके शायद पूरी दुनिया के 100 करोड़ लोग उठ करके थोड़ा बहुत योग जरूर करने लग गए, तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। 10-20-25-50 सालों में शायद वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया सुबह उठ करके योगी करेगी और उसी से दुनिया अच्छी बनेगी। हाँ सॉरी, सुबह सुबह उठ करके योग कर लेंगे तो
तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, मेरे का मन विचार भाव संस्कार अच्छे रहेंगे तो दुनिया में ही स्वर्ग आएगा, यही स्वर्ग यही नर्क यही जन्नत है बहन, और कहीं नहीं है ना। देखो भाई बहनों, ये तो काम करना है, आपको भी करना है, खाली मुझे अकेले को नहीं करना है। भाई भी बहन भी माताएं बहनें भी खूब श्रद्धा से खूब उत्साह के साथ यहाँ पर आई और योग करके ना गोल गोल घुमा, बहुत के रोग ठीक हो गए। लंबे श्वास ना, देखो ऐसे ये सूक्ष्म एम और आठ प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम उज्जयी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और श्वासों के साथ ध्यान, ध्यान योग भी हो जाएगा। दोनों तरफ से करना, ऐसे भी और ऐसे भी, योग करके ब्लड प्रेशर से लेकर के शुगर मोटापा से लेकर के श्वास दमा अर्थराइटिस से लेकर के बहुत बीमारियां बहुतों के ठीक हुई। मैं अभी आपसे भी पूछूंगा, योग करके जिनके रोग मिट गए ना उनसे भी थोड़ी देर पूछेंगे, उससे आपका उत्साह बढ़ता है। मैं हर शिविर में लगभग पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ, कभी कभी छूट भी जाता है, उससे उत्साह बढ़ता है, हिम्मत मिलती है, नहीं तो ना एक निराशा आ जाती है जिंदगी में ना, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मैं ठीक नहीं हो सकती। एक होप रहनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को, निराशावादी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। देखो हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर डालो, ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे, बहुत अच्छा है। ये गर्दन में दर्द है, किस कंधों में दर्द बहुत है ना, उसके लिए अभ्यास बता रहा हूँ अभी जो कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अभी तो सब डॉक्टर भी ये बताने लग गए, सारी दुनिया अब तो मानने लग गई योग को, योग के बारे में अब गलत बात नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। और योग विशुद्ध रूप से हमारी ऋषियों की देन है पूरी दुनिया को। भारत ने क्या क्या दिया पूरी दुनिया को, योग दिया, अध्यात्म दिया, ये तो सबने सुन ही लिया, आयुर्वेद का ज्ञान दिया पूरी दुनिया को, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ज्यूडिशियरी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, सब कुछ तो भारत ने दिया है। दरअसल क्या है, इतिहास के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर, विकास के नाम पर पूरी दुनिया में झूठ बोला जाता है और उसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। आप गौरव रखना अपने ऊपर, अपने देश पर। माना कि 500 साल में अमेरिका ने समृद्धि का शिखर छुया है, यूरोप हमको जो है चिढ़ा रहा है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन यूरोप तो लूट के बल पर ही खड़ा हुआ है, सारी दुनिया जानती है, लुटेरे लोग थे 500 साल पहले, सारी दुनिया में लूट के लिए निकले थे, गरीबी भूख अभाव इतना था, 17वीं शताब्दी तक वहां पर भूख बेरोजगारी गरीबी बुरा हाल था, नर्क बना हुआ था पूरा यूरोप, कुछ था ही नहीं वहां। अभी भी क्या है, अब तो थोड़ा बहुत आविष्कार हो गए, नहीं तो बर्फ जमी रहती थी, लोग थोड़े बहुत कुछ शिकार शिकार कर लिया करते थे और जानवरों को मालिक उनकी मार के उनकी खाल पहन लिया करते थे, मांस खा लिया करते थे, ये यूरोप की जिंदगी थी। तो भैया 500 साल पुराना अमेरिका माना कि बहुत ताकतवर हो गया है, यूरोप भी लूट खसोट करके कुछ पैसे वाला हो गया है, और भैया जिन कंट्रियों में जिनको मिडिल ईस्ट कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कहते हैं, वहां भी तेल आने से थोड़ी समृद्धि आ गई है। अरे भारत कोई 1400 साल 2000 साल पुराना 500 साल पुराना देश नहीं, भारत 200 करोड़ वर्ष पुराना देश है और उसने ही दुनिया को सबसे पहले संस्कृति का बोध दिया। 1,96,83,114 वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, कभी भी आत्मग्लानी का भाव नहीं है। देखो अब योग की बात कर लेते हैं थोड़ा, ये कंधे के लिए भी गर्दन के लिए भी, ये जो एक्सरसाइज है ना ये सब बहुत अच्छी है, जिनको सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस है ना उनको सब ये तो सब करना ही चाहिए, ये सब है ना। और फिर देखो अब कपालभाति उज्जयी करने से थायराइड और ये गले की एक्सरसाइज करने से थायराइड पूरा क्योर हो जाता है। हम आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो गई है, जिनका बीपी ठीक हो चुका है, जरा हाथ उठाना, ब्लड प्रेशर वाले दोनों हाथ उठाएंगे, नहीं तो इतनी भीड़ में पता नहीं लगता, बैठे बैठे हाथ ही लाएंगे। ब्लड प्रेशर जिनका ठीक हो गया दोनों हाथ ही लाना। यहाँ सैकड़ों भाई हैं मेरे सामने ही बैठे हुए, 20-25 तो माताएं बहनें भी हैं,
जिनका बीपी ठीक हो गया, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, बस वन सेकंड वन स्ट्रोक कपालभाती का ऐसे कर लो थोड़ी देर, बीपी ठीक हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, अस्थमा अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। जिनका आंखों का चश्मा उतर गया, वो जिनका आंखों का चश्मा एनक कम हो गई, इसमें भी बड़े बुजुर्ग ही हाथ उठा रहे हैं, बच्चे भी जवान भी, आंखों का चश्मा उतर जाता है, कहते गुरकुमा दी ठीक हो जाता है। ये तो सामान्य बीमारियां होगी। वजन जिन्होंने कम कर लिया, वजन कितना कम किया, 5-10 किलो तो काफी का, ये हर बार में हाथ उठाता है, तेरे क्या क्या ठीक हो गया भाई, इधर ये बीपी भी ठीक हो गया, चश्मा भी उतर गया, जो भी पूछो उसी में हाथ ऊंचा करे। क्या नाम है? गोली प्रसाद। गोली जी, गोली को बीमारियों की गोली खाता था पहले, राठ से आया हूं स्वामी जी। कहां से? राठ से। राठ से जी। क्या नाम है आपका? गोली प्रसाद। गोली प्रसाद, रिटायर अमीन हूँ। अच्छा, 68 साल का हूँ, 90 किलो वजन था, 25 किलो वजन कम किया मैंने। 90 किलो जी साहब, जोरदार मामला है साहब। आंखों का चश्मा, बीपी, ये लीवर, ब्लड प्रेशर साहब, ब्लड काम और भगंदर, बहुत साफ, आपके स्वामी जी के दया से बहुत रोग मेरे, कई बीमारियां थी जी, थोक में बीमारी थी, भगंदर भी था जी साहब, भगंदर भी था। ये कितनी देर किया कपालभाती? एक घंटा साहब, एक घंटा दोनों टाइम किया साहब, 4 घंटे लिया मैंने इसमें, तब का वजन कम हो पाया, एक बार भोजन करता हूँ बस 24 घंटे में, तब ये सब बीमारी मेरी दूर हुई है। ये लो भाई, ये तो गोली प्रसाद, गोली वाला तो, मैं कहता हूँ गोली को मारो गोली, अब बहुत होली, ये तो गोली को गोली मार गया गोली प्रसाद। एक एक घंटा कपालभाती, भगंदर की बीमारी जरा बताइयो फिर से। भगंदर, लीवर, लीवर में क्या हो गया था? लीवर साहब कमजोर हो गया था, काम ही नहीं करता था, तो डॉक्टर ने के जवाब दे दिया, बोले कि ये ना ठीक हो पाएगा, अभी हो गई कर, पहले बहुत बताया साहब, 6 की बात बता रहा हूँ मैं, 2006। तो 95 किलो से वजन कितना है अब सर? 65 के लगभग, 65-66 के लगभग, 65-66 वजन है। ब्लड प्रेशर भी हो गया था जी, ब्लड प्रेशर भी हो गया था, और भगंदर भी हो गया था जी। सन 2009 से आपसे जुड़ा हूँ स्वामी, योग शिक्षक हूँ। ओ जी, 2009 में फिर योग की दीक्षा ले ली पूरी। ओ, भगंदर भी ठीक कर लिया जी, जी। लीवर भी ठीक कर लिया, बीपी भी अब नहीं है जी? नहीं, ब्लड बढ़ गया साहब, 14-15 है, पहले कितना था? 10-11। हीमोग्लोबिन कम हो गया था, वो भी बढ़ गया। तो हमारे गोली सिंह तो पूरे गोली निकले फिर है। ये है, योग करना पड़ेगा, जब ज्यादा बीमारी हो जाए तो उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, तो पूरा रूपांतरण हो जाता है। अभी भी छोड़ा नहीं है ना जी? नहीं, दूसरों को करवाते हो जी? जी, योग कक्षा लेते हो जी? जी, ये काम गांव-गांव जाते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है, तहसील प्रभारी हूँ राठ का। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे भाई अब पहले खुद ही बीमार थे, अब राठ में मेरा शिविर भी हुआ था, वहाँ करीब 1 लाख लोग आए थे, बड़ा जबरदस्त शिविर हुआ था। आशीर्वाद, धन्यवाद। तो ये तो एक से लाभ पूछा ऐसे, तो कपालभाती, फिर ये अनुलोम विलोम, ये भी कर लो जरा, थोड़ा और कर लो, बड़ा अच्छा है, अद्भुत बीमारियां ठीक होती हैं। ये तो 2-4 लोगों से हम पूछ पाते हैं, भाई बहनों से। अनुलोम विलोम कर लो, आपको क्या बीमारी ठीक होगी बाबा जी? ओ तुलसीदास अग्रवाल, पेट की बीमारियां सब ठीक हो गई हैं। मैं जन्म से, कक्षा 6 में पढ़ता था तब से आधा सिर दर्द करता था, लगभग 5 साल से योग कक्षा स्टेडियम छतरपुर से जुड़ा हूँ। अच्छा, छतरपुर स्टेडियम में योग की कक्षा नियमित चलती है? जी सर। अच्छी बात, वहाँ जाते हैं, और लगभग 3 साल से मैं जा रहा हूँ, 5 साल से मैं 2 साल यहीं पार्क में बैठा रहा जी, तो लाभ मिला योग कक्षा में, फिर विधिवत जाने लगा, अब बिल्कुल सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। अब पेट में क्या क्या बीमारी थी? पेट में कब्जियत रहती थी,
लैटिंग वगैरह साफ ना हुआ करती थी, आधा सिर दर्द करता था और बहुत सारी में कक्षा छह से जब हम जब से दवा लेता रहा पड़ता था, कक्षा छह से सिर में दर्द होता था। अब अच्छा सिर दर्द की कोई बीमारी का इलाज नहीं है। देखो एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनी है, उसने 60 प्रकार का सिर दर्द जो है उसको क्लासिफाइड कर दिया, बहुत सारी और उसमें 59 तो क्लासिफाइड कर दिया, एक को बोल दिया अननोन हेडेक। लेकिन सिर दर्द की दवाई कोई नहीं, पेन किलर कोई दवाई थोड़ी होती है, वो तो थोड़ी देर के लिए कोई भी दर्द होता है तो भूल भुलैया है। दवाइयां बीमारी को दबाती हैं, योग बीमारियों को मिटाता है, ये है। तो जो है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो ना थोड़ी देर, ये भी बहुत जरूरी है। बाबा जी का छठी क्लास में पढ़ते थे तब से सिर में दर्द था, वो खत्म हो गया माइग्रेन पेन, आधे सिर का दर्द और पेट की बीमारी है सब। माताएं बहनों को बहुतों को है, बादाम रोगन डाल लिया करो, थोड़ा मैदा वटी ले लिया करो, कुछ कुछ ये जड़ी बूटियों का प्रयोग जो आप अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर आपको मिल जाता है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, फिर बीपी, शुगर, मधुनाशिनी, मुक्तावटी, मेधावटी, हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल के हृदयामृत थोड़ा प्रयोग कर लिया करो, घर में लगा लो एलोवेरा, गिलोय, तुलसी रोज खाया करो, बीमारी होगी नहीं। योग करना, जड़ी बूटियों का सेवन करना, पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी। मैं कहता हूँ तीन तरह की लूट हो रही है देश में जिसको हम खत्म कर सकते हैं। एक दवा के नाम पर लूट, दूसरी दारू के नाम पर लूट, दवा मुक्त, रोग मुक्त और विदेशी कंपनियों की लूट से मुक्त भारतीय तो खुद बनाना है हमको। बाकी और देश में तो तीन काम तो और करके दिखाने, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का, अनुलोम विलोम करो ना लगातार। तो ये तो एक भाई की बात हुई अग्रवाल साहब, चलिए लगातार करो ना थोड़ी देर अनुलोम विलोम, इसी से तो फायदा होता है। बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी तो बहुतों की दूर होती है। अब वजन तो थोक में कम हो रहा है, बड़ी बीमारियां जिनको कहते हैं ना कि डॉक्टरों ने कह दिया था अब तो ये तो लाइलाज बीमारी होगी, और ऐसे तो सैकड़ों बीमारी लाइलाज हैं जिनके बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई। अब उन्हीं से दो चार से पूछते हैं तो उससे दूसरों में उत्साह बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है, उनमें होप, एक आशा जागती है। अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लो लगातार। क्या नाम भाई? ओम श्री ईश्वर भरत, नौगांव से आया हूं। समय मुझे जो है 2003 में लंग्स में कैंसर था। ओ, नाम क्या है आपका? ईश्वर नारायण पाठक। फिर पीजीआई में इसका जो है रेडियोथेरेपी होगा और कीमोथेरेपी होगा, लेकिन पूर्ण तरह से आराम नहीं मिल पाया था। और उसी समय 2003 से ही मैंने योग करना शुरू कर दिया टीवी पर देख देख के। एक बार मैं जो है लखनऊ गया था आपके यहाँ कैंप में, तो अच्छा। उधर जी मैं 4 दिन आपके कैंप में भी शिविर में भी रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आराम है लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं, हल्का सा दर्द सा रहता है फेफड़े में, थोड़ा दर्द जी हाँ। तो इसके लिए कौन सा योग ज्यादा करूं? इसके लिए आप थोड़ा प्राणायाम, अनुलोम विलोम ज्यादा करना धीरे धीरे, है ना, और कपालभाति भी धीरे धीरे करना, आधा आधा घंटा दोनों टाइम करो, और अनुलोम विलोम तो 3 बार कर सकते हो, और थोड़ा आश्रम का जो चयन प्रास है और शिलाजीत और हल्दी जी, ये दूध में लिया करो, और जो गिलोय की गोली है ना, गिलोय के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, गिलोय, घृत कुमारी, गेहूं का द्वारा, तुलसी नीम, यही लेना, और अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा 3 बार कर लो, थोड़ा दूध में हल्दी लेंगे, शिलाजीत लेंगे, केसर लेंगे, जबरदस्त रहेगा। 2003 का कैंसर का पेशेंट अभी तक तो मर गया होता, क्योंकि क्यूमो करा लो, रेडिएशन करा लो, कुछ भी करा लो, बार बार होता है कैंसर, और फेफड़े आदि का कैंसर, गले का कैंसर, ये तो मार ही देता आदमी को। कैंसर के रोगी तो जो है वो जिंदा नहीं रह पाते, बुरा हालत हो जाती है, अद्भुत लाभ होता है, कैंसर के रोगी अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा कपाल भाति और कर लो आप लोग, आधा आधा घंटा करवाते हैं कपाल भाति, कुछ तो एक एक घंटा भी कर लेते हैं जब शरीर बोल बहुत ही बेकार हो जाता है, अनुलोम विलोम भी। ये तो हेपेटाइटिस, किडनी फेल हो गई थी, लीवर फेल हो गया था, हार्ट फेल हो गया, हार्ट इनलार्ज हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, ब्लॉकेज हो गए, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाता है। मैं
परसों मिल रहा था, शक्ति रंजन आसाम का एक भाई, हमारा ही कार्यकर्ता। अभी कई बार एक जेनेटिक बीमारी हो जाती है, जेनेटिक, ये जेनेटिक रोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, अब उसको हार्ट में ब्लॉकेज आ गया। अब लगातार प्राणायाम कर रहा था, अब पिछले दिनों ने दोबारा एंजियोग्राफी करवाई तो बोले बाबा जी अब मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा क्या हुआ? पहले वो बेचारा काम करता करता बेहोश हो जाता था, गिर जाता था, फेंट हो जाता था। बोले बाबा जी अब नेचुरल बाईपास हो गया प्राणायाम करते करते। ये है प्राणायाम का चमत्कार, नेचुरल बाईपास, कोलेटर आंटी खुल तैयार हो जाती है अपने आप। ये है ईश्वर की व्यवस्था। कपाल भांति अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो तीन बार कर सकते हैं, दोपहर के खाने के एक घंटे बाद भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कपाल भांति तो सुबह खाली पेट और दोपहर के खाने के पांच घंटे बाद करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम तीन बार कर सकते हैं जिनको बहुत बड़ी बीमारियां होंगी, कैंसर जैसा रोग, तो मोती दिखती है ना सामने। आपसे हमारे कार्यकर्ता हस्ताक्षर भी करा रहे हैं जिससे कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में, इस योग सेवा राष्ट्र सेवा के इस पुनीत कार्य में आप योगदान दे सके। आप सबको भी मिलके काम करना है ना, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अनुलोम विलोम, कपाल भांति, ये दो प्राणायाम तो खूब ज्यादा करने करो, कपाल भांति करो थोड़ी देर, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा और इसको करते करते ना अपने आप ही ध्यान लग जाता है, मन शांत हो जाता है। आपको क्या फायदा हुआ बाबा जी? ओम ओम भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक आश्चर्यजनक घटना आपको, और कैंसर, हमारी पत्नी जो कैंसर की रोगी रही उनका कैंसर ठीक हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या नाम पत्नी? मेजर पत्नी का शैल कुमारी श्रीवास्तव। शैल कुमारी, किस जगह का कैंसर होता? ब्रेस्ट कैंसर था। ओहो, और सन 8 में लोकेट हुआ था। ओहो, तो यहाँ के डॉक्टर नीरज खरे, यहीं के चिकित्सालय का मैंने इलाज शुरू करवाया। अच्छा, अपने पतंजलि चिकित्सालय? पतंजलि चिकित्सालय से। और वो प्राणायाम करने लगी थी डेढ़ घंटे, आधा आधा घंटे कपाल भांति वगैरह ये, और आधा घंटे ये सूक्ष्म व्यायाम करती थी, डेढ़ घंटे प्रतिदिन करती थी। उनको इन्होंने डॉक्टर नीरज खरे ने सजेस्ट किया कि वहाँ हम ग्वालियर दिखाएं, मेमोग्राफी कराएं। मेमोग्राफी कराई, फिर कैंसर हॉस्पिटल भोपाल गए, वहाँ डॉक्टरों ने डिटेल्ड जांच करके, तीन चार दिन जांच करके बताया कि इनको लंग्स में कैंसर जाने वाला है, और अब ये सिकाई और ऑपरेशन वगैरह के लिए तैयार हो जाएं, भर्ती हो जाएं। तो वहाँ से हम लोग लौट आए, क्योंकि ना तो हमको कैंसर पसंद, वो ऑपरेशन पसंद था, ना श्रीमती जी को सिकाई वगैरह, और यहाँ का हम योग करने लगे थे, मतलब ट्रीटमेंट लेने लगे थे। तो दो तीन उन्होंने कहा कि आप तीन महीने के अंदर हमारी श्रीमती जी का, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ भर्ती हो जाइए। हम लोग वहाँ भर्ती नहीं हुए और हम वापस चले आए। फिर आपका तो डेढ़ घंटे का रोज ये प्राणायाम चल ही रहा था। उसके बाद में तीन महीने के बाद हम पतंजलि हरिद्वार आए चेक कराने के क्या पोजीशन है। तो वहाँ डिटेल्ड ब्लड रिपोर्ट ली उन्होंने। पहले तो हम आपसे मिलना चाहते थे, आप तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया डिटेल्ड जी। तो उसमें कहा कि इनको तो कैंसर है ही नहीं। अच्छा। मात्र तीन महीने के प्रैक्टिस से उससे कहा इनको तो कोई ब्लड में इनको कैंसर का कोई वो नहीं है। तो वहां से हम लोग आश्वस्त हो गए और यहाँ आए अपने, और वही आपका कपाल भांति वगैरह हमारी श्रीमती ने डेढ़ घंटे करती रही। तो ये देखो कैंसर जैसे रोग से लोगों को ना एक भय खोप बैठ जाता है। मेरे पास यहाँ पतंजलि चिकित्सालय जो अपना छतरपुर में चलता है उसके रोगियों की कुछ की सूची है, जो जिनके नाम फोन नंबर पूरी रिकॉर्ड के साथ, राजेंद्र अग्रवाल जी जिनको हार्ट अटैक हो गया था अब ठीक हो गए, सोराइसिस जिसकी पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं, श्रीमती रजनी रावत हैं, फिर ब्लड कैंसर श्री राम विलास प्रजापति, रिपोर्ट सहित उसका पूरा है। अब चार साल से पूरे अच्छे हैं, पता नहीं यहां पर भी आए हैं कि नहीं आए, रामविलास प्रजापति,
और इसी तरह से पैरालिसिस रमेश चंद्र तिवारी का, और हार्ट की तो बहुतों की बीमारी ठीक हुई, अस्थमा और बोन टीवी गौरी शंकर यादव का, कोलाइटिस और पेट की असाध्य बीमारी मान जाती श्री अनुराध श्रीमती अनुराधा। जैसे क्या होता है, जबड़ा बंद हो जाता है गुटखा आदि खाने से, तो उसमें, और कई बार ऐसे भी, तो वो भी ठीक हो गया। अरुंधति, उसको प्रेगनेंसी नहीं रहती थी, गर्भाधान नहीं होता था, तो उसको भी संतान सुख मिल गया। ऐसे कितने रोगी हैं, ये तो अपने कुछ ऐसे रोगी जो जिनको कहा जाता नहीं कि ये रोग तो ठीक ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं योग करो, आयुर्वेद की दवाइयों का इस्तेमाल करो, जड़ी बूटियों का, असाध्य से असाध्य रोग मिट जाएगा। और आप लोगों ने मिटाए, है ना, अभी कपाल भाती। अब देखो अगला प्राणायाम, श्वास बाहर छोड़ के देखो ऐसे, तीन बंद लगते हैं ऐसे, आप लोग भी सीख लो। श्वास बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, फिर ये जाल अंदर बंद लगाया, थोड़ी को कंठ को लगाना, फिर पेट को अंदर खींचा, इसको उड्यान बंद करते, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, इसको मूल बंद कहते हैं। ये तीन से पांच बार, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए। देखो योग के तीन पक्ष हैं, योगियों के लिए योग एक साधना पद्धति, समाधि के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और रोगियों के लिए आरोग्य के लिए, उनको निरोगी जीवन जीने के लिए चिकित्सा पद्धति, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए एक जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, योग। अब आप जिसको कोई रोग नहीं है वो योग करेगा तो उसका, उसके जीवन की शक्तियों का विकास होगा ना, भीतर तक जागृत प्रकाशित होगा, मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। तो योग आपको मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनाता है, सबको करना है। ऐसे करके देखो, थोड़ा ये नहीं हो पाता तो अग्निसार कर लो। क्या नाम भैया आपका? अग्निसार तो सबको आती है ना? ओम बाबा जी प्रणाम। सबसे पहले आपको प्रणाम बाबा जी। मुझको किडनी में स्टोन थे करीब 3 mm के, तो कपाल भाती से मुझको काफी आराम लगा और 2-3 बार मेरे स्टोन निकल चुके हैं। अच्छा, एक और में तो बार बार बनने की टेंडेंसी हो जाती। क्या नाम है आपका? अनुपम पाठक। अनुपम पाठक, तो ये कपाल भाती करते रहेंगे, नहीं तो किडनी पत्थरों से भर जाती है, ये हालत हो जाती है। पानी पीते हो ना बेटा आप सुबह? हाँ पीता हूँ, और बालकृष्ण महाराज ने एक तिली वाला प्रयोग बताया था तो वो भी मैं करता हूँ। क्या तिली वाला? तिली के जला के उसके राख को मैं सेवन करता हूँ। अच्छा अच्छा, और ये कुलथ की दाल भी कभी कभी खा लिया करो। हाँ वो भी करता हूँ बाबा जी। कुलथ की दाल, गोखरू, पुनर्नवा, वरुणसन, वृक्कदोषर क्वाथ है जी। वो ले लिया करो, उससे क्या है किडनी क्लियर होती रहती है। वैसे भी साल में 5-7 दिन तो सबको ले लेना चाहिए, नहीं तो आजकल किडनी में स्टोन, गाल स्टोन बहुत बनने लग गए। वृक्कदोषर क्वाथ, तो अब
कपाल भांति से पथरी निकल जाती है, ये बड़ी बात है। कहां कहां की पथरी, गाल ब्लैडर के स्टोन, किडनी स्टोन, प्रिंट क्रियाज के। एक बहन को तो गले में पथरी हो गई थी, आपने भी सुना होगा पिछले सीवर, गले में होती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, पथरी बन जाती है। बड़ी शरीर की रचना बड़ी रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक है, उसमें यदि योग नहीं किया ना कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। योग जो है इस शरीर को पूरा लाइन अप रखता है, ऑटोमेटिक सिस्टम को ठीक रखता है। बहुत आशीर्वाद बेटा, रोज करते रहना, है ना। धन्यवाद बाबा जी। अग्निसार करो, देखो ऐसे बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कुछ बीमारियों के बारे में थोड़ी सी प्रतिक्रिया ली थी, फिर देखो एक क्रिया है, इसको बोलते हैं नोली, थोड़ा अभ्यास के बाद होगी ये। आप भी करोगे? बोले बाबा ये तो देख के डर लगता है। एक मोटा साहब बोला बाबा मैं भी करूंगा, वो करने लगा, आगे से तो कुछ निकला नहीं, पीछे से बैक गियर लगा दिया। बच्चे, कुछ बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं, ये करते अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चों ने भी अब सीख लिया है, ये तो अच्छा करता है। इसको ऊपर भेजो, इसका भी करवा देते हैं। अब देखो जो है ये नोली नहीं हो पाए तो अग्निसार तो कर लेते हैं ना, ये वाली, इसी से ही ठीक रहेगा। कर लो सब, और गले के लिए ये ऊंचाई, इधर आओ, इसको निकालना पड़ेगा तो दिखेगा। क्या नाम है? ऋतिक यादव। कौन सी, कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? महर्षि विद्या मंदिर। कौन, किसने सिखाया आपको? अपने आप ही सीखे, जैसे हमने भी बचपन में ऐसे एक दिन घुमाया तो घूम गया, पेट अंदर करके कर, इसको निकाल देना। हाँ, यह और बाकी भी योगासन करता है सब, उसको भी निकाल दे तो पूरा दिखेगा ना। पहले तो पेट अंदर करके दिखा, वो उड्डयन बंद लगा पहले तो। खड़ा होके, खड़ा होके श्वास बाहर छोड़, फिर पेट को अंदर खींच, तो ये तो पेट को अंदर खींच लिया, ये तो उड्डयन बंद लग गया देखो पूरा। और अब छोड़ दे, सुबह आराम से फिर नोली करके दिखा। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा खड़ा होके, हाँ अब घुमा, ये तो जोर से घुमाता है लड़का। बच्चों का शरीर तो और ज्यादा कोमल होता है ना, पूरा अच्छा करता है, और वो आसन भी करता है सब, खड़े 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 चक्रासन करके दिखा। बहुत जोरदार छोरा है, फिर वापस आ जा, ऐसे करते रहना, छोड़ना मत। और क्या क्या करते, शीर्षासन भी आता करके दिखा। बच्चों को बचपन से कराइए तो 100 साल तक करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और एकाग्रता बढ़ेगी, उत्साह रहेगा। वापस आ जा बेटा, और वो सर्वांगासन भी, हलासन भी करता है ना, करके दिखा। ये सब बच्चे किया करो, जितने भी बच्चे आए हुए हैं, और सब बच्चों को सुबह माँ बाप को लाना ही चाहिए जो अपने औलाद को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपको बनानी पड़ेगी औलाद को, खाली बच्चा पैदा करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, कुछ यही काम करते रहते हैं, बच्चा पैदा ही करते रहते हैं, आगे क्या करना हो कुछ नहीं। सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, बैठ बेटा, फिर आगे झुके माथा घुटनों से लगा, पश्चिम तानासन, ये
ये वाला काम है। एक बार अभिनंदन है इस बच्चे का, ऐसे ही सब बच्चों को करना है। आप पहन लो, अभी बैठो बैठो यहीं बैठो। इसको तो बहुत सारा इनाम दे करके भेजेंगे। बच्चों को योग करवाइए, अच्छी चीजें खिलाइए। आजकल बच्चों को क्या पिला रहे? कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप। इसको तो हमने नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। सब बोलेंगे ठंडा मतलब। घर में कितना ही गंदा टॉयलेट हो ना, दो चार ढक्कन डाल के देखना कोको कोला थम्स अप पेप्सी का, फिर देखो उसको साफ करना, एकदम साफ हो जाएगा। इतना गंदी चीज, उसका पीएच वैल्यू इतना खतरनाक हो, सिर्फ कैंसर से लेकर के मोटापा, शुगर, सब बीमारियां होती है। बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? बच्चों को दूध पिलाना चाहिए और च्यवनप्राश खिलाना चाहिए। देना बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए, और कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको अभिनंदन है बेटे को। टूथपेस्ट भी देसी करो है? और मैदा के बिस्किट बच्चों को नहीं खिलाने चाहिए, और बर्गर पिज्जा तो खाना ही नहीं चाहिए। ये हमने कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्रांसफैट फ्री, मैदा फ्री, ये सब तरह के बिस्किट, फिर जो है टूथपेस्ट, विदेशी टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं, विदेशी साबुन प्रयोग करते हैं, स्वदेशी साबुन, स्वदेशी टूथपेस्ट, ये जो है ये ठीक नहीं। हमें देसी चीजों का प्रयोग करना है। देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? ये बच्चों के लिए बनाया हमने दंत कांति जूनियर, फिर एक ये बहुत जबरदस्त है। नहीं तो जो बाजार में टूथपेस्ट मिलते हैं उसमें कैंसर पैदा करने वाला तत्व होता है, उससे फ्री है। और इसमें 13 तरह की जड़ी बूटियां डालते हैं, 13 तरह की जड़ी बूटियां, और कैंसर फ्री है? नहीं तो ये तो अपने बड़ों को देना है, तो बड़ों के लिए 13 जड़ी बूटी वाला, और ये तुम्हारे लिए दंतकांति जूनियर है ना। और विदेशी ब्रश भी यूज नहीं करना है बच्चों को ना। ये कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी करते हो बेटा? करो, थोड़ा देर कर लो सब, उज्जाई गले के लिए, फिर ये अनुलोम विलोम, फिर ब्रह्म रुद्र गीत कराएंगे, ध्यान कराएंगे थोड़ी देर, उसके बाद आपको